अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और माय नेम इज़ आयशा, वेलकम टू आवर लर्नर एकेडमी। आज का जो हमारा लेसन है वो डेवलपमेंट लेसन, लेसन नंबर 10, PSY 101। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डेवलपमेंट पे बहस करेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होती है और किस किस स्टेज पे होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। डेवलपमेंट में हम साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड नेचर डेवलपमेंट, ये चीज़ें, इनके इश्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। हम अब अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट साइकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी हाउ ग्रोथ एंड फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सोशल चेंज टेक प्लेस ओवर द लाइफ स्पैन। ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट वो किस तरह से होता है। एक हमारा बायोलॉजिकल सेंस होता है और दूसरा साइकोलॉजिकल सेंस। बायोलॉजिकल सेंस में हमारा जो होगा वो किन चीज़ों में चेंज आएगा, चेंज इन साइज शेप फंक्शन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन, ये चीज़ें आ जाएंगी। और साइकोलॉजिकल सेंस, इसमें हमारा फिजिकल कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक, ये चीज़ें आ जाएंगी। जो डेवलपमेंट होता है इसमें चेंज जो है वो दो तरह से आता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव, जैसे आप जानते हैं कि हमारी क्वालिटीज़ होती हैं, ये आप लोगों ने स्टैट में भी कहीं पढ़ा होगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी कि वो चीज़ें जिसको हम पॉइंट में मेजर नहीं कर सकते, वो चीज़ें आती हैं हमारी क्वालिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में वो चीज़ें जो पॉइंट में मेजर करेंगे। क्वांटिटेटिव में हमारा चेंज कैसे आएगा, मतलब हमारा कद, हमारा यानी कि वेट हाइट, ये चीज़ें आ जाएंगी। और क्वालिटेटिव में हमारे क्वालिटीज़ आ जाएंगी, जैसे चेंज इन काइंड्स डैट आर मोर कम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व स्लिप्स एंड फंक्शनिंग, ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद देखते हैं साइकोलॉजिकल चेंज इंक्लूड द ग्रोथ, इसमें हमारा लर्निंग, कॉग्निटिव, इंटेलिजेंस, इमोशनल, ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद इशू ऑफ इंटरेस्ट टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इनके इसके इशू देखते हैं। नंबर वन, इस डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूस आर डिसकॉन्टीन्यूस, क्या हमारी जो डेवलपमेंट होती है, मतलब हमारी जो नशोनुमा होती है, क्या वो रुक जाती है, ये चलती रहती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी हाँ, हमारी जो डेवलपमेंट होती है, मतलब हमारी जो नशोनुमा होती है, वो सारी ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन बाज़ जगहों पे हमारी डेवलपमेंट रुक जाती है, जैसे कि हमारा कद जो है वो एक ख़ास हद तक बढ़ने के बाद रुक जाता है, यानी कि वो डिसकॉन्टिन्यू, मतलब हमारी डेवलपमेंट कुछ जगहों पे रुक जाती है और कुछ जगहों पे होती रहती है। मतलब हमारा कद खास हद तक बढ़ने के बाद रुक जाता है, ये हमारी डेवलपमेंट यहाँ पे रुक गई। लेकिन वो दूसरी जगह पे हमारी डेवलपमेंट हो रही है, कहीं हमारे खुलिए बांध रहे हैं, कहीं हमारी कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये हमारी डेवलपमेंट चलती भी रहती है। दूसरा क्वेश्चन ये है, इस डेवलपमेंट जनरल और स्पेसिफिक, क्या हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो जनरल होती है या स्पेसिफिक होती है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो जनरल यानी कि बस आम हमारी डेवलपमेंट होती है, मतलब हमारे दांत निकल रहे हैं, हाथ बड़े हो रहे हैं, हमारा कद बड़ा हो रहा है, ये हमारी जनरल डेवलपमेंट है। कुछ हमारी स्पेसिफिक डेवलपमेंट होती है, यानी कि हमारे स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक जगहों पे हमारी डेवलपमेंट होती है, यानी कि वो नज़र नहीं आती दूसरे लोगों को। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है क्वेश्चन, इज डेवलपमेंट स्टेबल आर चेंजेस, क्या हमारी जो डेवलपमेंट है वो स्टेबल होती है, चेंज होती रहती है। बिल्कुल, हमारी डेवलपमेंट चेंज भी होती रहती है और बाज़ जगहों पे स्टेबल भी हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन एक्टिव आर पैसिव बींग्स, यानी कि इधर ये चीज़ है, क्या इंसान का अपना भी कोई रोल है अपनी डिवेलपमेंट में, या वो पैसिव है, यानी इसकी नशोनुमा प्रीडेटर माइंड है इनकी, या इनके जीन्स में लिखी गई है, या फिर इंसान की कोई नशोनुमा में कोई किरदार है, क्या हम पैदाइश के वक़्त जैसे थे वैसे ही डेवलप हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। उसके बाद नेचर वर्सेस एंड नर्चर, नेचर क्या होता है, नर्चर क्या होता है। नेचर यानी कि जैसे आप जानते हैं नेचर कुदरती, और नर्चर माहौल से मिलने वाली। नेचर्स मीन हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस, मतलब हमारे विरासत में मिलने वाली चीज़ें, हमारे जीन्स में आने वाली चीज़ें, वो हमारी जीन्स के ज़रिए जो यानी कि हमारी नशोनुमा होती है वो सारी नेचर में आ जाएगी। और नर्चर जो हम अपने माहौल से यानी कि चीज़ें सीखते हैं, उस माहौल के ज़रिए हमारे अंदर जो नशोनुमा आती है वो चीज़ें नर्चर में आ जाएंगी।
और उसके बाद हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक विद स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट्स, यानी कि हमारे जो जेनेटिक कंपोनेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, फिजिकल करेक्टरिस्टिक, नंबर 2 इंटेलेक्चुअल करेक्टरिस्टिक, नंबर 3 इमोशनल करेक्टरिस्टिक एंड डिसऑर्डर, यानी कि कुछ चीज़ें फिजिकल जो होती हैं वो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती हैं, मतलब जैसा माँ अगर छोटे कद की है तो ज़ाहिर है बच्ची छोटे कद की हो जाएगी, माँ अगर मोटी है तो बच्ची मोटी हो जाएगी, ये चीज़ें ट्यून ऑफ वॉइस यानी कि हमारी जो बाबा की आवाज़ उससे मिलती जुलती बेटे की आवाज़ हो जाएगी, मामा की आवाज़ से मिलती जुलती बेटी की आवाज़ हो जाएगी, ये चीज़ें। उसके बाद इंटेलेक्चुअल करेक्टरिस्टिक, इसमें भी हमारी जहानत और उसके बाद मेंटल रिटर्डेशन, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं इंटेलेक्चुअल तौर पे जो हमारे वालदैन से हैं वो बच्चों में आ जाती हैं। इमोशनल, इसी तरह इमोशनल भी हमारे जो होती हैं यानी कि करेक्ट डिसऑर्डर, यानी कि जो बीमारी या जो भी यानी कि डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी नहीं सॉरी, जो भी बीमारी वगैरह या कोई डिसऑर्डर जो वालदैन में होते हैं वो बच्चों में आ जाते हैं, उसमें यानी कि एंगजाइटी जो है वो, अल्कोहलिज्म और शिजोफ्रेनिया, ये चीज़ें हमें विरासत में भी माँ से यानी कि बच्चों में आ सकती हैं, अगर बाबा में होंगी तो भी बच्चों में आ जाएंगी, अगर वालदा में होंगी तो भी बच्चों में आ जाएंगी। आगे हम देखते हैं पेरेंटल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस, क्या पेरेंट का, पहले तो हमने देखा कि हमारा अपना माहौल जो है वो हम पे यानी कि हमारी नशोनुमा में वो असरअंदाज करता है, यानी कि जैसे हम माहौल में रहेंगे हमारी नशोनुमा वैसी होनी शुरू हो जाएगी। तो इधर सवाल यह है कि क्या वालद वालदैन का जो माहौल होता है, वालदा का जो माहौल होता है, क्या वो भी हम पे असरअंदाज होता है? बिल्कुल, हमारी वालदा का जो माहौल होता है प्रेगनेंसी के तौर, प्रेगनेंसी के वक्त के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अगर माँ जो है प्रेगनेंसी के तौर पे बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस में रहेगी तो बच्चे में, बच्चा भी उसी तरह बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव बच्चे का होगा। अगर वालदा जो है प्रेगनेंसी के तौर पर बहुत ज़्यादा बीमार या इलनेस, कमज़ोर होगी तो ज़ाहिर बात है बच्चा भी एक वो कमज़ोर बच्चा ही पैदा करेगी। और उसके बाद अगर माँ जो है वो कोई ड्रग वगैरह यूज़ करती होगी तो बच्चा भी बहुत कमज़ोर और छोटे छोटे सर वाला, यानी कि उसका सर भी छोटा होगा, वो बच्चा पैदा करेगी। उसके बाद हम देखते हैं स्टडी टू डिटरमाइन द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर आर नर्चर, इनके यानी कि हम ये फैसला करते हैं कि नेचर का कितना असर है और नर्चर का कितना असर है, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगी। इसमें ट्विन स्टडी आ जाती है, ट्विन स्टडी यानी कि जैसे आप जानते हैं कि वालदैन के दो बच्चे, यानी कि सेम बच्चे जो यानी कि इकट्ठे पैदा हों, उनको ट्विन्स कहते हैं। तो इसमें ट्विन स्टडी में आ जाएगा, यानी कि एक प्रॉपर रिसर्च हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि दो, एक वालदा, एक वालदा के दो बच्चे जो सेम हैं उनको, यानी कि सेम जींस के बने हुए बच्चे जो होते हैं उनको डिफरेंट इन्वायरमेंट में रखा गया और फिर देखा गया कि बच्चे यानी कि डिफरेंट इन्वायरमेंट रहने के बावजूद भी उनमें बहुत ज़्यादा उनके मशगलें, हॉबीज़ और उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़, मतलब उनकी जहानत और उनके, उनको जो चीज़ें फूड पसंद थी, जो भी खुराक उनको पसंद थी, उन दोनों की पसंद नापसंद दोनों तकरीबन सेम सेम थी, बहुत हद तक वो बच्चे एक दूसरे से सेम थे। हालांकि वो एक डिफरेंट माहौल में रहते थे, डिफरेंट वालदा ने उनकी परवरिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वो सेम थे क्योंकि उनके जीन्स जो थे वो सेम थे। उसके बाद जो जीन्स होते हैं तो वो भी दो तरह से, ट्विन्स जो होती हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक मोनोजिगोटिक ट्विन्स होते हैं और एक डिजोगोटिक ट्विन्स होते हैं। मोनोजिगोटिक ट्विन्स में जो बच्चे होते हैं वो सेम जीन्स के होते हैं, मतलब उनके वो एक ही तरह के जीन्स से बने होते हैं, और डिजोगोटिक जो बच्चे होते हैं, ट्विन्स होते हैं, वो डिफरेंट जो होते हैं ना जीन्स से बने हुए होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, यानी कि ट्रांसमीटर ऑफ जेनेटिक करेक्टरिस्टिक, हमारी यानी कि जो जीन्स में आती हैं चीज़ें वो कैसे हमें ट्रांसमिट होती हैं, कैसे ट्रांसमिट होती हैं, यानी कि वालदैन की हेरिडिटी यानी कि विरासत में मिलने वाले जीन्स जो हैं हमारे अंदर कैसे ट्रांसमिट होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो बच्चा होता है वो 23 क्रोमोसोम्स से मिलकर बनता है, जिगोटिक जो बच्चा होता है वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स से मिलकर बनता है, यानी कि 23 जोड़ों से बनता है, यानी कि इसमें बात यह आ जाती है कि 23 क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें बच्चे में वालदा की तरफ से आएंगे और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम वालदा की तरफ से आएंगे,
यानी कि बाबा की तरफ और मामा की तरफ दोनों से ही 23 क्रोमोसोम्स आएंगे तो एक बच्चे की पैदाइश होगी। तो उसके बाद जो हमारे जीन्स होते हैं, उसके बाद यानी कि वो हमारे जीन्स बन जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जीन्स जो हैं मे बी डोमिनेंट आर रिसेसिव। ये है कि क्या हमारे जीन्स जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं या रिसेसिव। इसमें ये है कि अगर बाबा के तरफ से आने वाले मिलने वाले जीन क्रोमोसोम जो हैं अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो मामा के जीन्स पे हावी हो जाएंगे, फिर यानी कि बच्चे में एक्टिविटीज़ जो भी उनमें यानी कि विरासत में चीज़ें आएंगी वो बाबा वाली होंगी। अगर मामा के जो क्रोमोसोम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और वालदा की और बाबा के जीन्स पे हावी हो जाएंगी, डोमिनेंट हो जाएंगी, तो वो वाले जीन्स आएंगे। अगर दोनों में बैलेंस होगा तो फिर क्या होगा, अगर देखेंगे कि वालदा की आंखें ब्लैक थी और बाबा की आंखें ब्राउन ब्राउन टाइप हैं तो बच्चे में क्या होगा, यानी कि अगर उनके क्रोमोसोम जो हैं वो यानी कि उनका बैलेंस आपस में त्वाजन बरकरार होगा, यानी कि जितना बाबा की तरफ से है उतने ही मामा की क्रोमोसोम्स हैं, मतलब उतने ही वो स्ट्रोंग हैं, जितने बाबा के स्ट्रोंग हैं उतने ही मामा के स्ट्रोंग हैं, यानी कि बैलेंस होगा बिल्कुल। तो फिर क्या होगा, बच्चे की जो आइज़ होंगी ना वो ब्लैक और ग्रे दोनों मिली जुली ही होंगी, यानी कि बाबा और मामा दोनों की तरफ से दोनों की यानी कि शेड्स उसमें होंगी बच्चे में। उसके बाद पेरेंटल स्टेज, ये भी दो तरह की होती है, एम्ब्रियो एंड फिटिस। एम्ब्रियो यानी कि होता है कि बच्चा जब पैदा होता है, यानी कि फर्स्ट उसके बच्चा दुनिया में आने से पहले पता है आपको उसकी नशोनुमा शुरू हो जाती है, जो पहले 9 हफ्ते होते हैं ना उसमें क्या होता है, पहले 9 हफ्ते जो होते हैं वो एम्ब्रियो में होते हैं, यानी कि एम्ब्रियो में क्या होता है कि पहले 9 हफ्ते में बच्चा यानी कि वो इंसानी एक शक्ल इख्तियार करता रहता है, उसमें सिर्फ इतना सा होता है। और जो फिटियस है उसमें क्या होता है कि पहले 9 हफ्तों के बाद का जो सारा मतलब ज़माना होता है वो सारा एक अरसा होता है वो फिटियस में आ जाता है। इसमें क्या होता है कि इंसान पूरी एक प्रॉपर शक्ल इख्तियार करता है कि वो लड़की होगी, लड़का होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। इस दौरान यानी कि अल्लाह पाक फरिश्ता भी मुकर्रर कर देते हैं कि वो उसकी सारी के बारे में लिख जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिटरमाइन ऑफ द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो में यानी कि जो सेक्स होता है उसमें यानी कि कैसे वो बच्चे की पैदाइश होती है, यानी कि कैसा सेक्स, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो है वो लड़की होगी या लड़का होगा। देखिए जो वालदा होती है उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं सिर्फ एक्स ही होता है, उसमें जो सेट होता है वो एक्स ही होता है, लेकिन जो बाबा होते हैं वो 2 क्रोमोसोम से मिलके बनते हैं, मतलब वो एक्स और वाई 2 तरह के सेट से मिलके बनता है, और बाबा के अंदर एक्स और वाई होता है और मामा के अंदर जस्ट एक्स होता है। अगर तो यानी कि बाबा की तरफ से एक्स और मामा की तरफ से एक्स होंगे तो एक बेटी पैदा होगी, तो अगर माँ की तरफ से एक्स और बाबा की तरफ से वाई मिलेगा तो एक बेटा पैदा होगी। ये था हमारा आज का लेसन, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम बहुत जल्द कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात करेंगे, लेसन नंबर 11। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।